हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा। राजमा और राइस लंच में सबको पसंद आता है और कितना ये हेल्दी होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबको पता है। आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसे आप राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, इसका ग्रेवी भी कितना अच्छा बना है। ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजमा बनाना। इसके लिए हमने 1 कप राजमा को पूरी रात भिगो कर रख दिया था पानी में और अभी छान लिया है। ये ब्राउन वाला राजमा है, इसका छिलका थोड़ा सा पतला होता है, ये जल्दी उबल जाता है। अब हम इसे कुकर में डालेंगे और जितना राजमा डालेंगे ना उसके ऊपर 1/2 इंच तक पानी आप रखिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे। और फिर नमक डालेंगे इसमें और इसको उबाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 सीटी आने तक इसको हम कुक कर लेंगे। आप रेड वाला अगर राजमा यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसको कुक होने में, उसको पकने में, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 2 प्याज जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अभी प्याज को बहुत ही अच्छे से हमें फ्राई करना है। बिल्कुल ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप अगर 2 प्याज यूज कर रहे हैं तो टमाटर 3 यूज कीजिएगा, क्योंकि राजमा में प्याज थोड़ा कम और टमाटर उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, तो रेशियो इस तरह से ही रखिएगा आप। बस इसको इवेनली चलाते हुए ऐसे स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से ऐसे छन्नी पर रख लेंगे ताकि जो भी इसमें ऑयल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। जब भी हम अनियन फ्राई करते हैं ना उसमें जो भी ऑयल हम डालते हैं वो ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता है अनियन में, तो इसलिए ऑयल बच जाता है। तो इस ऑयल का आप किसी भी सब्जी को बनाने में यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। आप किसी भी सब्जी में यूज कीजिएगा तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। बस ऐसे करके ठंडा जब हम कर लेंगे इसको तो इसको हम पीस लेंगे ठंडा करके। अभी जो ऑयल है उसमें से कम कर देंगे निकाल कर, 2 टीस्पून मैंने निकाल लिया है। अब इसमें जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जब ये क्रैकल हो जाएगा उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। अब कुछ मसाले डालेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी डालिएगा रेड चिली पाउडर तो इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम 3 टमाटर को हमने ऐसे पीस लिया था, टमाटर डालकर इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। अभी फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, याद रखिएगा मैंने 2 प्याज लिया था और 3 टमाटर। अब कुछ मसाले और डालेंगे, अब नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाएगा, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला मैंने, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई किया था और उसको हमने पीस लिया। बहुत महीन पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, दरदरा सा पीस लिया है।
अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। आप इस तरह से एक बार राजमा बनाइएगा, लंच में तो बहुत ही अच्छा लगता है राजमा और राइस, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है इसमें। अब जो हमने राजमा उबाल कर रखा हुआ था, पानी के साथ ही सारे राजमा को इसमें हम डाल देंगे। आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर बहुत पतला चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा थिक चाहिए ग्रेवी तो जिसमें हमने राजमा उबाला था उसी पानी से ये हो जाएगा। राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा ग्रेवी इसका पतला चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने और पानी इसमें मिला दिया है। अब इसे ढक देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए ग्रेवी का कलर कितना चेंज हो गया है, इसे पता चलता है कि ये कुक हो रहा है। थोड़ा सा और इसे कुक करना है फिर ये रेडी हो जाएगा। स्पैचुला से हल्का हल्का हम राजमा को प्रेस करेंगे जिससे कि थोड़ा सा जब मैश हो जाएगा राजमा तो उससे ग्रेवी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो हल्का सा आप स्पैचुला से ज़रूर इसको मैश कर दीजिए ऐसे। देखिए अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस रेडी है सर्व करने के लिए। आप राइस बनाइए जीरा राइस या फिर ऐसे नॉर्मल राइस के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये राजमा बहुत ही टेस्टी बना था और सबको पता है राजमा कितना हेल्दी होता है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा राजमा। ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ये राजमा की रेसिपी आपको कैसी लगी। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद से जब ट्राई कीजिएगा तभी पता चलेगा आपको कि ये कैसी बनी थी। थैंक यू।